लोकसभा चुनाव 2024 गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, डेट्स अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन यात्राएं चल रही हैं और रैलियां हो रही हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट जी। सचिन जी, इतना सब कुछ हो रहा है, आपका अलायंस भी हो रहा है, लेकिन अलायंस ऐसा हो रहा है कि पार्टियां आपके अलायंस वाली ही आप जितना सम्मान दे रहे हैं उतना आपको सम्मान नहीं दे रही। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब नेगोशिएशंस होते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी अपना स्पेस को प्रोटेक्ट करना चाहती है, और कभी कभी अलायंस में डिस्कशंस में कुछ खट्टी मीठी बातें हो जाती हैं, लेकिन खट्टी ज़्यादा हो रही है। नहीं नहीं, एंड में अच्छे परिणाम आएंगे। हमारी एक अलायंस की घोषणा हो चुकी है, बाकी बहुत जल्द होने वाली है, और लगभग 2 दर्जन पार्टियां हमारे अलायंस के अंदर हैं। और मुझे लगता है कि हम सबका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें एनडीए को हराना है। तो छोटा मोटा गिव एंड टेक होगा, कॉम्प्रोमाइज़ भी होगा, लेकिन एंड में जो परिणाम आएगा वो बेहतर होगा इंडिया अलायंस के लिए भी और देश के लिए। जो इंडिया अलायंस शुरू किया नीतीश जी ने, वो खुद ही चले गए। अब उनकी अलग, वो तो पहली बार तो गए नहीं हैं, वो तो लगातार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो बाकी हमारे पार्टनर्स हैं मजबूती के साथ खड़े हैं। और हम सबका जो कॉमन ऑब्जेक्टिव लक्ष्य है वो है कि यहाँ पर एक इंडिया की सरकार हटाकर इंडिया सरकार बनानी। और आपके जो साथी, अपने साथी, आपके युवा साथी आपके साथ जो फोटो में दिखते थे राहुल गांधी के साथ, वो जो छोड़ के चले गए, जिसको जाना है वो चला गया। और हर व्यक्ति को ये छूट होती है निर्णय लेने का, किस पार्टी किस विचारधारा में काम करना है। किसी की मजबूरी है, किसी को कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन ये जनता और समय तय करेगा कि उनका निर्णय कितना सही था कितना गलत था। गलत हो सकता है उनका, आपको लगता है उनका निर्णय गलत था? मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका निर्णय है और सबके सामने हैं, लेकिन कई तो चीफ मिनिस्टर बन गए छोड़ छोड़ के। चुनाव से पहले बहुत सारे लोग पार्टियां छोड़ते हैं, पार्टियों में आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पब्लिक ही निर्णय करती है कि आपने सही किया गलत किया। सवाल ये होना चाहिए कि जनता किसको चुनेगी, किन मुद्दों पर चुनेगी। और मैं आपको कह सकता हूँ कि हम लोगों की जो तैयारी है, हमारी पार्टी का और हमारे अलायंसेस का जो गठजोड़ बना है, उससे भाजपा चिंतित है और परिणाम कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पक्ष में आएंगे। आप कह रहे हैं कि भाजपा चिंतित है, आप चिंतित नहीं? इतने सारे लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा ना, पार्टी भाई जिनको जाना है वो जा रहे हैं, उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, कुछ दबाव हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि अगर भाजपा इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो 300 पार 400 पार 500 पार कर रहे हैं, तो फिर वो अलग अलग पार्टियों के एक एक नेता को अपने साथ क्यों जोड़ रहे हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई उनको जोड़ने की हर राज्य के अंदर? तो कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि 10 साल का जो उनका शासन रहा वो प्रचंड प्रचार और प्रोपेगेंडा के अलावा जो वास्तविकता हैं उसको समझ रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है, जवाब मांग रही है, रिपोर्ट कार्ड के आधार पर सवाल पूछने की हिम्मत लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि एनडीए को दोबारा से पुनर्जीवित करने का जो एक मुहिम छिड़ी है बीजेपी ने, वो इसको देख के की है। वो कह रहे हैं कि हमने तो 370 हमारी तो पक्की है, हम तो ये 400 पार के लिए कर रहे हैं। मैं कह रहा ना, ऐसी नारा देना तो बहुत अच्छी बात है चुनाव से पहले, लेकिन अगर इतना अति आत्मविश्वास भाजपा के अंदर होता तो ना तो वो बिहार में जो करते, जो उन्होंने किया वो करते, ना वो कांग्रेस या बाकी दलों के नेताओं को अपने साथ जुड़ने की कोशिश करते। अगर खुद में इतना वो सशक्त होते, मजबूत होते, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर दोबारा इतना बड़ा बहुमत देने की उनमें अगर क्षमता होती तो ऐसा नहीं करते। पर वो जो वो तो चलो नारा दे रहे हैं, आप तो नारा भी नहीं दे रहे, आप तो ये भी बोल रहे हैं। देश नारों से नहीं चलता है ना, देश परफॉर्मेंस से चलता है, देश नीतियों पे चलता है, गवर्नेंस पे चलता है। देश में जो जिन ताकतों को जनता पसंद करती है, उनको वोट डालती है, वही तो शासन करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई ऐसा ब्लू प्रिंट हमारे सामने आया है कि अगर एनडीए या बीजेपी ने कहा कि हम 5 साल में हम ये करेंगे, वो तो अपनी बात करते हैं कि हम 300 पार 400 पार 2047 तक का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है वो, एक सपना दिखाने की वाली बात है। ब्लूप्रिंट होता है कि आपका एजेंडा युवाओं के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है, महंगाई को कम करने के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है। अब पूरे प्रदेश और देश भर के किसान आंदोलित हैं, उनसे क्या आपने वादे किए थे, वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे जिन पर जनता सरकार और भाजपा की राय जानना चाहती है, लेकिन वो हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो भावनात्मक हैं या विवादित हैं या जज्बाती मुद्दे होते हैं, ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट रहे और वो जो मेन मुद्दे हैं महंगाई का, बेरोजगारी का, कृषि का, निवेश का, चिकित्सा का, सड़क निर्माण का, गाँव के अंदर, मतलब एक तो होता है प्रचार करना, एक प्रोपेगेंडा, एक होता है वास्तविकता में धरातल पर हकीकत क्या है, क्या 10 साल पहले जो लोगों की ज़िंदगी थी आज वो बेहतर हो पाई है, क्या हमारे देश में अमीर गरीब की खाई बड़ी है कम हुई है, क्या शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, क्या आपने जो वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे भाजपा ने अलग अलग राज्यों में, क्या वो पूरे कर पाए हैं। इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, ना कि
किस व्यक्ति ने कौन से पार्टी को क्या बोला या 2047 का क्या नारा दिया, मैं समझता हूँ वो जनता सब समझ रही है। आप ही बात कर रहे हैं, हकीकत क्या है, धरातल क्या है? हकीकत तो ये है ना, अभी आप ही के प्रदेश में चुनाव हुआ, आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस आपने की, आप मुद्दे लेकर गए यही वाले, आप तो हार गए, आप क्यों हार गए फिर? हर राज्य में अलग परिस्थिति होती है और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अपनी हार को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं है। हम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में चुनाव, तीनों चुनाव हारे, हमें उम्मीद थी हम सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाए। लेकिन राजस्थान में जो हार का अंतर है वो 1 या 1.5% है, ये छत्तीसगढ़ में हाल है, 1% का डिफरेंस है वोट शेयर का भाजपा कांग्रेस में। लेकिन हम हिमाचल प्रदेश जीते हैं, हम तेलंगाना जीते हैं, हम कर्नाटक जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाजपा की हर जगह जो डबल इंजन का जो नारा देते हैं वो कामयाब होता है, और बीजेपी या किसी और दल को हराने की क्षमता कांग्रेस पार्टी में है। हम एक चुनाव, दो चुनाव हार जाएं, जीत जाएं, इससे भविष्य तय हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। राजस्थान आप हारे, क्या ये आंकलन गलत है कि आप आपस में ही लड़ते रहे इसलिए हारे? अशोक गहलोत ने आपको निकम्मा, नाकारा, गद्दार कहा, अब उनके ही साथी, अब उनके ही साथी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं जो उनके साथ थे, महेंद्रजीत मालवीय जी, आप तो गद्दार थे और वो उनके साथ थे, वो ही पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अब देखो, अतीत में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, किसने क्या बोला, नहीं कहा, किन शब्दों का प्रयोग किया, वो सब बात पुरानी हो गई है। और मुझे तो, जैसा मैं बार बार कह चुका हूँ, मुझे राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने कहा कि भूलो और माफ़ करो और आगे बढ़ो। और आपने माफ़ कर दिया अशोक गहलोत को? मैंने देखो, हमने प्रदेश हित में, पार्टी हित में, देश हित में ये कहा कि हम चुनाव जीतेंगे तो भाजपा को हम रोक पाएंगे, और चुनाव जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पार्टी के लिए। 30 साल से राजस्थान में हम कभी दोबारा चुनाव जीते ही नहीं, हम चुनाव लड़ते हैं, 200 सीटों की विधानसभा है, कभी 20 पे आते हैं, कभी 50 पे आते हैं, तो इस बार हमें लगा था हम मेहनत करके चुनाव में दोबारा जीत हासिल कर सकते हैं, दुर्भाग्यवश वो नहीं हो पाया। फिर भी हमारी परफॉर्मेंस ठीक थी, हम लगभग 70 हमारे जीत के, एमएलए जीत के आए, लेकिन जो हो गया वो तो पीछे निकल गया ना। आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, उसके लिए हम लोग मिलकर मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। उसमें वो कारण नहीं था आपको दरकिनार करना? देखिए, कोई किसी को दरकिनार नहीं कर सकता है, और कोई एक व्यक्ति ना तो चुनाव जिता सकता है ना हरवा सकता है। जीत भी पार्टी और टीम की होती है, हार भी पार्टी और टीम की होती है, और इस हार को हमने स्वीकार किया है। हाँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर हम कुछ अलग करके देखते इस बार, तो शायद हम दोबारा चुनाव जीत सकते थे, और हम बहुत पीछे भी नहीं रहे। जैसे मैंने कहा, 70 सीटें जीते हैं और 101 का बहुमत है, तो कुछ हम अगर अलग करते, कुछ और थोड़ा प्रयास करते, तो शायद हम चुनाव जीत जाते। फिलहाल चुनाव, जैसे मैंने कहा, जीत भी सबकी और हार भी सबकी। आपने कहा कि पिछली बार जब आप हारे थे, आप पूरी यात्रा वगैरह लेकर गए, पूरे राजस्थान में सब जगह गए, और फिर आपने जीत हासिल की, आप उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे। रेवंत रेड्डी ने भी यही किया। रेवंत रेड्डी एक एग्जांपल है कांग्रेस के सामने कि ओल्ड गार्ड के बजाय नए चेहरे को आगे रख के चुनाव जीता जा सकता है। तो पार्टी, चलिए, फेलियर से नहीं सीखती, अपनी सक्सेस से तो सीख सकती है। तो मैं तो, आप जो कह रहे हैं, मैं हमेशा इसका पक्षधार रहा हूँ कि हमेशा नई पीढ़ी के अच्छे नौजवान, मजबूत लोगों को हमें आगे लाना चाहिए। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था राजस्थान में, तब मैंने नौजवानों को बहुत मौके दिए। इस बार भी मैंने नौजवानों के लिए बहुत पैरवी करी, उनको टिकट दिलाने की बात करी, और जनता भी पार्टी के इस सकारात्मक निर्णय को पसंद करती है। आप अगर डेटा देखेंगे तो जितने हमने यंग लोगों को टिकट दिया है, उसमें से अधिकांश चुनाव जीत कर आए हैं। तो यंग लोगों को अगर हम लीडरशिप रोल्स में लेकर आते हैं, उनको मौके मिलते हैं, तो पब्लिक पसंद करती है, और ये एक वास्तविकता भी है देश की। नौजवान देश है, यहाँ मजबूत नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए। अभी ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि आपने तरीके की बात की, कहा कि हालांकि वो शहर के ही नेता थे, एक मुंबई शहर के, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी की यात्रा में जुड़ना चाहता था, तो मुझसे उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने कहा कि 10 किलो वजन कम करके आई है। इसी तरह की बातें बहुत लोग पहले कह कर गए हैं। जो पार्टी छोड़ के जा रहा है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना, उसको कुछ ना वो छोड़ के नहीं जा रहे थे, आपने हटाया उनको क्योंकि उनके फादर छोड़ के चले गए। अरे भाई, वो फादर और सन बेटा एक ही बात है, छोड़ गए, ठीक है, जैसा मैंने कहा उनका अपना निर्णय होगा, लेकिन पार्टी छोड़ें, अपने कांडों पे छोड़ें। छोड़ते वक्त नेताओं को गाली गलौज करें या उनके बारे में अपशब्द या दुर्भावना फैलाएं, मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है। आपके बारे में तो अपशब्द कहे गए, आप क्यों बने हुए इस पार्टी, आप क्यों पीछे पड़े? नहीं, अच्छा, मैं अगर मेरे बारे में कहा था तो सुन लिया मैंने, और मैंने कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने कभी भी अपने से किसी बड़े व्यक्ति का हमेशा आदर ही किया है, कभी मान सम्मान में कमी नहीं रखी, और जो कुछ कहा नहीं कहा वो बात पुरानी हो गई। और जैसे मैंने कहा, मुझे कहा भूलो, माफ़ करो, आगे बढ़ो। मैं जब राजनीति में आया था
कुछ सोच के आया था, मैं राजनीति में आया था तो कुछ करने के लिए आया था। इस देश में बहुत संभावनाएं हैं कुछ करने की, एक सोच होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक विश्वास होता है, तो मैं उस पर अडिग हूँ, उस पर कायम हूँ। ठीक है, कई बार मतभेद हो जाते हैं नेताओं के साथ, साथियों के साथ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिस रास्ते पर निकले थे उससे पलट के कहीं और अब जाना शुरू कर दें। देश सेवा का अगर रास्ता है तो वो दूसरी पार्टियों में भी है, बीजेपी में देश सेवा का रास्ता नहीं है? देखिए, वो डिपेंड करता है आप परिभाषा क्या है। मैं तो कहता हूँ अलग अलग दल हैं, लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि भारत देश को विकसित करना है, हमारे लोकतंत्र को मजबूत करना है। वहाँ अलग अलग रास्ते जाने के हैं, किसी को जिसको जो रास्ता पसंद है उसमें जाता है। मुझे जो पसंद है मैं वहाँ बैठा हूँ और वहीं काम करूँगा, मैं उसी रास्ते पर चलता रहूँगा। ये क्या आइडियोलॉजी है, क्योंकि अब कई लोगों को तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही समझ में नहीं आती। देखिए, पूरे देश में जब से देश आज़ाद हुआ, हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इतने बड़े मुल्क को एक रखने की जो एक भावना है, संविधान को सर्वोपरि रखने की जो भावना है, एक इंक्लूसिव लिबरल सबको साथ लेने की क्षमता, इच्छा शक्ति और परफॉर्म कर दिखाने की जो एक सोच और काम करने का तरीका है, वो मैं समझता हूँ सबसे बेहतर हमारी पार्टी में है। बहुत से दल हैं, 30-40 पार्टियाँ पार्लियामेंट में हैं, अलग अलग दल हैं, लेकिन आज रिक्वायरमेंट इस देश को ये है कि लोगों को जोड़ने का काम किया जाए। बहुत सारे हमारे यहाँ भाषाएँ हैं, धर्म जाति हैं, वेशभूषाएँ हैं, पृष्ठभूमियाँ हैं, उन सबको एक कैसे रख सकते हैं, और हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार है। आज जो मणिपुर में घटना घट रही है, अगर किसी और राज्य में होती शायद उसका रिएक्शन दूसरा होता, लेकिन वहाँ पर रहने वाला इंसान भी इस देश का नागरिक है, वहाँ के लोगों को उतने अधिकार है एक सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, अपने जीवन जीने का, तो उन सबको जोड़ने का जो काम कर सकता है, मैं समझता हूँ वो कांग्रेस का प्लेटफॉर्म सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। ये आपने जोड़ने की बात की, यही बात लेके राहुल गांधी यात्रा पर निकले थे और अब फिर यात्रा पर निकले हैं, आप भी उस यात्रा में शामिल हुए और शायद राजस्थान के लेग में फिर शामिल होंगे, लेकिन चुनावों में उस यात्रा का असर कुछ दिखता नहीं है, बल्कि ये बीजेपी भी बार बार कह रही है कि जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ आपके साथी उल्टा छोड़ते जा रहे हैं, तो पब्लिक में तो यही इमेज जा रही है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर अपनी पार्टी में तो हो नहीं रहा, वोटरों पे क्या होगा? कि यात्रा जो निकली थी पहली, वो आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे जटिल और सबसे बड़ी यात्रा थी। 4,500 किलोमीटर पैदल मैं खुद चला उस यात्रा में, 20-25 किलोमीटर रोज चलना, किस लिए चढ़ना, लोगों को सुनना, देखना, समझना, जोड़ना, बात करना। और देश में जो एक खाई बन गई है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गांव और शहर के जो दूरियां बनी हैं उसको ख़त्म करने के लिए, लोगों को साथ जोड़ने के लिए, उसमें सिर्फ एक एकता का एक भावनात्मक मुद्दा था। आप उसकी तुलना करें कि कितना वोट बढ़ा कितना घटा, वो अलग बात है, लेकिन उसका फ़ायदा पार्टी को मिला, उससे एक लोगों में एक धारणा पैदा हुई कांग्रेस वर्कर्स के अंदर कि हम मजबूत हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, जहाँ बहुत सालों से चुनाव नहीं जीत रहे हैं। लेकिन उस यात्रा के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को आग्रह किया कि आप एक पूर्व से पश्चिम यात्रा और निकालिएगा। लेकिन यात्रा का उद्देश्य है कि जिनकी आवाज़ आज दबी हुई है, जिनको कोई सुन नहीं रहा, मीडिया में उनकी बात आती नहीं है, किसान है, गरीब है, नौजवान है, उनकी बात को सुनना, उनको ताकत देना, उनकी आवाज़ को बल देना। चुनाव जीतना इस यात्रा का मकसद नहीं है? इस यात्रा का मकसद चुनाव जीतना नहीं है, इस यात्रा का मकसद लोगों को सुनना और कांग्रेस की विचारधारा को व्यापक बनाना है, निश्चित रूप से। लेकिन उसको आप आकलन करो कि इस बूथ पे गए थे, यहाँ 200 वोट ज़्यादा मिले या कम मिले, ऐसा इस यात्रा का एजेंडा वो नहीं है। उसका लाभ नहीं, पर कम तो नहीं होने चाहिए, चलिए जुटाने नहीं जा रहे, कम ही होते जा रहे हैं। ऐसा है, जिस राज्य में हम 30-40 साल से पावर में नहीं है, यूपी है या बंगाल है या और कोई राज्य है, वहाँ पर आप आकलन करें कि क्या परिवर्तन आया क्या नहीं आया, वो गलत होगा। लेकिन एक कार्डर को, वर्कर को, सहानुभूति रखने वाले लोगों को विश्वास में लेना, उनको संबल और ताकत देना, वो इस यात्रा का लक्ष्य है। और न्याय की मांग करना ना, जिनको न्याय नहीं मिल रहा। राहुल गांधी यूपी में अपनी सीट हार गए थे पिछले बार। हार गए तो ऐसा तो नहीं है कि पहली, ऐसे इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, तो राजनीति में, जिंदगी में चुनाव में हारना जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य तो नहीं हटे, अपनी आवाज़ तो बुलंद करी। आज भी केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज़ अगर किसी की है विपक्ष में तो राहुल गांधी की तो है, कांग्रेस पार्टी की तो है, और पैन इंडिया लेवल पर अगर कोई भाजपा को चुनौती दे सकता है तो वो दल कांग्रेस पार्टी तो है। इंडिया लाइन्स हमारे 2 दर्जन पार्टीज़ हैं, सबको मान सम्मान है, सबके साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं किसी पार्टी का पैन इंडिया लेवल पर एक प्रेजेंस है और जो बीजेपी को नेशनली चुनौती दे सकता है, वो कांग्रेस पार्टी तो है।
मान सम्मान आप दे रहे हैं, उधर से उतना मान सम्मान मिलता दिख नहीं रहा साथियों से। ममता जी कह रही हैं आप 40 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगे, मतलब अलायंस भी कर रहे हैं आप उधर, और उनको बोल भी रहे हैं कि कर लीजिए, वो कह रहे हैं 40 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगी, तो विपक्ष में जाने के लिए अलायंस हो रहा है। आप मत भूलिए कि एनडीए भी कैसे बिखरा था, एनडीए भी लगभग समाप्त हो गया था, वो तो इंडिया अलायंस का जब गठबंधन हुआ तब जाके दोबारा उन्होंने एनडीए को पुनर्जीवित किया, लेकिन चाहे अकाली दल हो चाहे शिवसेना हो उस समय उनको तो जरूरत नहीं थी, एक बात है, लेकिन अलायंस तो टूटा था। हमारे यहाँ पे ठीक है एक दो चार स्टेटमेंट्स आए, वो एक पॉस्चरिंग भी होती है, चर्चा भी होती है, और जो भी हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं अलग अलग दल हैं, अगर हम सारे ही एक साथ बैठ के एक सोच के रखें तो अब एक पार्टी नहीं बन जाते। अलग अलग पार्टियाँ क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग काम करने का तरीका, अलग अलग सोच है, अलग अलग राज्यों में उनकी प्रेजेंस है, और हर पार्टी का एक महत्व है, हर पार्टी अपना पॉलिटिकल स्पेस की रक्षा करना चाहती है, तो ये गिव एंड टेक बड़ा जटिल होता है, नेगोशिएशन बहुत समय लग जाता है, कभी कभी किसी को हो सकता है कोई आहत हो जाए किसी स्टेटमेंट से, लेकिन बड़ा लक्ष्य ये है कि हमें मजबूती से एनडीए को हराना है, उस लक्ष्य को लेकर सब साथ आए हैं। हमारा अनाउंसमेंट सपा के साथ यूपी में हो गया और दोनों का बहुत जल्द होने वाला है, और मुझे लगता है जहाँ तक ममता बनर्जी की बात है, वो एक मल्टीपल कई बार इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक अलग स्पेस है देश की राजनीति में, उसको कोई झुठला नहीं सकता है, लेकिन उनके साथ हमारा गठबंधन की चर्चा चल रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द अच्छा सकारात्मक परिणाम भी उसका आएगा। लेकिन मजबूत लड़ाई आप तब लड़ेंगे ना जब आप मजबूत दिखें, आप साथ में ही मजबूत, आप कह रहे हैं अलग अलग पार्टियां हैं इसलिए अपनी अपनी बातें कर रही हैं, लेकिन मजबूती तो एकता होने में दिखती है ना। जब हम अलायंस कर रहे हैं तो एकता तो हो ही गई ना, सब यात्रा में साथ आएंगे, हम पूरे देश भर में अलग अलग शहरों में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी, एक जॉइंट कैंपेन होगा, बिहार में होगा, महाराष्ट्र में होगा, यूपी में होगा, तो ऐसा नहीं, अभी समय है, आप चिंतित मत होइए कि इंडिया अलायंस कहीं बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, और इंडिया अलायंस का जो वोट शेयर है वो लगभग 60% है देश के अंदर, और एनडीए का सिर्फ 35% है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो कितनी सीटें आएंगी आपकी भाजपा के लिए? मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारी कोशिश, हम लड़ रहे हैं जीतने के लिए, तो जैसे 2004 में वाजपेयी जी का इंडिया शाइनिंग का बहुत बड़ा नारा था और कोई नहीं मानता था कि ये वो हार सकते हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी हारी, एनडीए हारा और यूपीए 1 का गठन हुआ, 2024 के अंदर भी मजबूती से लड़ेंगे, मुद्दों पर लड़ेंगे, और मैं फिर कहना चाहता हूँ आपको, जो इश्यूज जनता के हैं उनको आप फोकस में रखेंगे, और इस देश में जो लगातार इंस्टीट्यूशंस को खोखला करने की एक सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है, चंडीगढ़ के छोटे से चुनाव में जो अधिकारी ने वहाँ जो काम किया, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके उसको ठीक करना पड़ा, ये एक अच्छा संदेश नहीं है देश के लिए? तो लोगों का जो विश्वास है सिस्टम के ऊपर, हमारे प्रोसेसेस के ऊपर, हमारी संस्थाओं के ऊपर, अगर विश्वास कमज़ोर पड़ जाएगा, अब किशोर जी अगर आज सुप्रीम कोर्ट का कोई जज कोई निर्णय लेता है तो वो जज भी तो इंसान ही है, लेकिन उस कोर्ट की इतनी मान्यता देश में है कि उस जजमेंट को सब मानते हैं, अगर उस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाएगी कल लोग सवाल उठाएंगे, तो चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया है, उनको तब अच्छा बड़ा बनाया है, उनकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, उनकी फंक्शनिंग, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नियुक्त करने का, अगर वो सब संदेह के घेरे में आ जाएगा तो फिर लोगों के अंदर विश्वास कैसे नहीं रहेगा? पर संदेह ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि जब वो चंडीगढ़ पे फैसला आए तो अब तो सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन जब आप जहाँ जहाँ हार जाओ वहाँ पे आप बोलो कि इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। मैं जनरली बता रहा हूँ कि हमारे आसपास के जो मुल्क हैं, पाकिस्तान में जो हो रहा है आप नहीं देख रहे हैं क्या? वहाँ एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल में है, चुनाव कोई जीत रहा है, पीएम कोई बन रहा है, हमारे यहाँ तो नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ वहाँ क्यों है, मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, अलग अलग राज्य जो कंट्रीज हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान, वहाँ पे डेमोक्रेसी इतनी जड़ें मजबूत नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ के इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर हो गए हैं 70 सालों में। हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं और स्ट्रांग रहने चाहिए, उन इंस्टीट्यूशंस की फंक्शनिंग पे अगर सवाल उठेगा, चाहे मीडिया भी हो, अगर लोगों के अंदर एक धारणा पैदा हो जाएगी, शक आशंका पैदा हो जाएगी, जो आपने कहा इलेक्शन कमीशन का, मैंने कभी आरोप नहीं लगाया, लेकिन अगर एक भी मतदाता को ईवीएम्स पे, वीवीपैट्स पे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई संदेह है या कोई आशंकाएँ हैं, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी विश्वसनीयता, उसकी पारदर्शिता को प्रमाणित करना, प्रूव करना, ये इसी का काम है। किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट्स पैदा होते हैं तो क्लैरिफाई करने चाहिए, और अगर हम क्लैरिफाई नहीं करेंगे तो वो जो एक सुप्रीम एक लेजिटिमेसी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ सकता है। आप मानते हैं ईवीएम में ईवीएम ठीक नहीं है? मैं कहता हूँ अगर कोई संदेह है उसको क्लैरिफाई करना चाहिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। वो तो उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि आप आगे साबित कर दीजिए अगर कुछ संदेह है तो।
वो किसने क्या किया, फिर अलाउ नहीं किया, वीवीपैट की रसीद क्यों नहीं मिलती हैं, कितने परसेंट मिलती हैं, ये सब टेक्निकल इश्यूज़ हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर किसी संस्था, दल, नेता, पार्टी, जनता, मतदाता को किसी भी प्रोसेस के ऊपर, इलेक्शन कमीशन या ईवीएम वीवीपैट के ऊपर का डाउट होता है, तो उसको पूरी तरह संतुष्ट करने का काम इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं ये वो पार्टी कह रही है जिसने इमरजेंसी लगाई थी। अब ऐसे तो आप बहुत पीछे जा सकते हैं कि किस पार्टी ने क्या किया था, उसका इमरजेंसी लगाई थी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद जनता ने इंदिरा जी को चुनाव हराया, बिल्कुल ठीक। ढाई साल के बाद उसी जनता ने दोबारा कांग्रेस को प्रचंड बहुमत दिया था। तो किसी को सोचना नहीं चाहिए कि जनता हमेशा हमेशा के लिए हमारी जेब में रहेगी। पब्लिक बहुत समझदार है, वो मौका देखती है, व्यक्ति देखती है, निर्णय को देखती है, परफॉर्मेंस को देखती है। तो ये धारणा जो आप कह रहे हैं कि हम चुनाव दो राज्य में हार गए, चार राज्य में हार गए, दो लोकसभा हार गए, हम दो लोकसभा हारे हैं ना, दो जीते भी तो थे 2004 में और 2009 में, दो बार लोकसभा चुनाव जीते भी हैं, दो बार हार गए हैं, अब फिर दो दो हाथ होंगे 2024 में, पता पड़ेगा कौन जीतता कौन हारता है। अब तो ये हालत है कि ऐसा देखना है कि आपको लीडर ऑफ अपोजिशन मिलता है नहीं मिलता, उसके लिए 54 सीटें चाहिए। ऐसी आप ये भूमिका बना रहे हैं, भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, किस आधार पर कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आप इनकम देख लो, इनकम डिस्पैरिटी देख लो, किसानों के हाल देख लो, नौजवानों के हाल देख लो, महंगाई के हाल देख लो, मिडिल क्लास के हाल देख लो, चीन लगातार हमारी सीमाओं में आक्रमण करके घुसता चला जा रहा है, तो जवाब देना पड़ेगा ना। 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वादा बीजेपी ने किया था, बीजेपी ने कहा कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, और जब 3 काले कानून वापस लिए थे तो कहा था कि MSP पर एक लीगल गारंटी लेकर आएंगे। हमारी पार्टी ने, खरगे राहुल जी ने 36 घंटे अंदर ये वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो MSP पे लीगल गारंटी लेकर आएंगे। जब सरकार थी तब आप इस व्यू के नहीं थे? हम बिल्कुल इस व्यू के थे। अब आप इतिहास में जाना चाहते हैं, जैसे स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट जब आई थी, हम लोगों ने इसको स्वीकार करके स्टेट्स को दिया था, उस सारे स्टेट्स से बात करने के बाद हम लागू करना चाह रहे थे उसको 2013 में, फिर चुनाव आ गए। लेकिन 10 साल से तो सरकार बीजेपी की है, उनको दे रहे हैं भारत रत्न, अच्छी बात है, लेकिन उस बंदे ने जो किया है उसको लागू क्यों नहीं करे? चलो मत लागू करो। इन किसानों ने क्या बुरा किया है? आपने वादा किया MSP पे हम कानून लेकर आएंगे, आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ आंसू गैस डाल रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, रबर बुलेट चला रहे हैं, पूरी घेराबंदी कर रखी है। तो किसानों को ना तो वो प्रोटेस्ट कर सकते, ना अपनी बात रख सकते। आप वादे करते हो, वादा खिलाफी करते हो, फिर भी आप कह रहे हो कि आप पूरा बहुमत लेकर आएंगे, किस आधार पर कह रहे हैं? उनके कई मुद्दे हैं, उनके कई आपने कहा बिंदुओं पर वो बात करते हैं। एक बात जो वो करते हैं और जनता सुनती है और जनता फिर पूछती है, राम मंदिर, आप राम मंदिर जाएंगे आप एज सचिन पायलट? क्यों नहीं जाऊंगा? जब मेरा मन करेगा तब मैं जाऊंगा, जब मुझे बुलावा आएगा तब मैं जाऊंगा, 10 बार जाऊंगा। किसका बुलावा? कि जब मेरे भाई, मैं जब जाता हूँ तिरुपति या वैष्णो देवी, तो मैं किसी का निमंत्रण आता है मेरे को, या मैं किसी मेरे को इजाज़त चाहिए। लेकिन ये जो ठेका है ना कि भाई इस दिन इस वक्त जब निमंत्रण आएगा तब आप जाएंगे, तो अच्छे हैं। और वो 5,000 लोग ही हैं जो जा सकते हैं वहाँ पर, बाकी जो 100 करोड़ हिंदू हैं वो नास्तिक हैं, उनको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? सिर्फ नेता, अभिनेता और इंडस्ट्री, इन्हीं को न्योता दिया। और कौन देने वाले हैं? इल्जाम तो ये ना कि आपने तो बनने नहीं दिया था ये मंदिर, ये मंदिर तो ये आप अब इतिहास किसने खुलवाया था, किसने क्या किया था, छोड़ दीजिए। ये जो निर्माण हुआ है, माफ कीजिए, ये निर्माण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद सभी पक्षों ने उसको माना और हमने सहर्ष उसका स्वागत किया कि एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने बोला है। ये किसी नेता, किसी दल या किसी नहीं, मुद्दा तो उनका था, मैनिफेस्टो में उनका था। मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा किसी का भी हो, निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था, उस कोर्ट के निर्णय को सबने माना है, स्वागत किया है। लेकिन राम सिर्फ उस एक मंदिर में ही है क्या? राम तो कण कण में है, राम हर प्राणी में, हर जीव में है, पूरी सृष्टि में है। जब मन करेगा हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, और दमखम के साथ जाएंगे। लेकिन ये लेंस में लगा के देखना कि इनवाइट किया कि नहीं किया, किसको किया, कौन गया नहीं गया, ये थोड़ा राजनीति होती है। धर्म अलग है, देखो धर्म और आस्था इट्स अ मैटर ऑफ होम एंड हार्ट। हम किसकी पूजा करते हैं, किसका भजन गाते हैं, कब व्रत रखते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, ये हमारी अंदर की भावना है। ये इट इज़ नॉट मैटर ऑफ स्टेट। गवर्नेंस, शासन, संविधान, राजनीति अलग होती है। धारणा, भजन, भक्ति, ये हमारी अंदरूनी भावना है। ये डिक्टेट नहीं कर सकता कि शासक कैसा होगा। संविधान सबका है, सब धर्मों के लिए, सब जातियों के लिए है, सबको बराबर की दृष्टि से देखना पड़ेगा। यही राजधर्म बोलता है। राजधर्म ये नहीं बोलता कि आप अपनी धार्मिक भावनाओं को शासक प्रकट कर उसका पॉलिटिकल फायदा ले ले, ये कभी राजधर्म नहीं रहा। आपकी छवि ये है कि आप माइनॉरिटीज़ के वोट लेने के लिए तो उनके धर्म के तो सिम्बल्स को अपना लेते हैं, लेकिन
हिंदू धर्म के सिंबल्स को अपनाने में आपको गलत है। किशोर जी आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो वो इस देश का नागरिक है और वहाँ विवाद समाप्त हो जाती है। वो किस धर्म की पालना करता है वो डिक्टेट नहीं करता कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए माइंड में। और ये बात हिंदू मुसलमान की करना मैं समझता हूँ गलत है, क्योंकि इस देश में और भी धर्म हैं और सब बराबर के नागरिक हैं और उन बराबर का अधिकार देश के अंदर है। लेकिन किसी एक का साइड लेके दूसरे को आप तराजू में तोलें वो गलत मानता हूँ उसको मैं। तो ये बताइए इनमें सचिन जी, आप अपना क्या भविष्य देखते हैं, भविष्य पार्टी में, पार्टी से बाहर, आप सेंटर में, राजस्थान में? मुझे बताइए आपका एजेंडा क्या है। आपने शुरुआत करी थी तब आपने पूछा, अब आप एंड कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं, अब आपको सर्टिफिकेट मैं ला के दूंगा या आप मुझसे लेंगे। मेरा तो मेरी पार्टी लीडरशिप और मेरी पब्लिक और जनता। लीडरशिप मतलब जो कांग्रेस के लीडरशिप है आज उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है, मैं इस पार्टी का महासचिव हूँ, मुझे एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ऑब्वियसली मेरी पहली प्रायोरिटी वहाँ रहेगी, मैं वहाँ पर पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाऊँ। आप जब लीडरशिप की बात करते हैं पार्टी की तो इल्ज़ाम में लगता है कि आपकी पार्टी की लीडरशिप तो मतलब एक परिवार है और यही परिवारवाद है जो परिवार पार्टी चलाएं, तो आप एक परिवार की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी एक परिवार चला रही है। मुझे पता नहीं आप ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुए, ऐसी कौन सी पार्टियाँ चुनाव होते हैं पहली बात मुझे बताइए। अभी हमारे बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब हैं, दोबारा उनको एक्सटेंशन मिल गया, किसने नामांकन भरा, किसने वोट डाले, कैसे चुने गए किसी को पता ही नहीं है, वहाँ तो आप नहीं पूछते हैं। हमारी पार्टी में जहाँ चुनाव हुए, मतपेटियाँ रखी गई, वोट डाले गए, दो लोग लड़े चुनाव, या तीन लोग, थरूर साहब लड़े, खड़गे साहब लड़े, वो चुनाव जीते, इलेक्टेड निर्वाचित हमारे अध्यक्ष हैं, उनको तो आप कह रहे हो कि आप पार्टी नहीं चला रहे हैं। अब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, मैं राजस्थान में यात्रा करता हूँ, कोई और यात्रा करता है, तो पार्टी का काम कर रहे हैं, सब मिलकर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चुनाव हुआ, एक वर्किंग कमेटी है, राहुल गांधी सिर्फ एक एमपी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं पार्टी के और बड़े नेता, तो पार्टी के वही दिखते हैं ना, तो अच्छी बात है, उसमें क्या बुराई है अगर देखते हैं तो वही चला रहे हैं पार्टी। अगर वो कार्यकर्ता ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या वो पार्टी को ज़्यादा लाभ दे सकते हैं, अपनी क्षमता के आधार पर हर एक काम करता है। वो पार्टी में कुछ नहीं तय करते, सलाह सब करते हैं, हमसे भी सलाह करते हैं। अगर खड़गे जी को निर्णय लेना है तो सोनिया जी हों चाहे मैं हूँ चाहे राहुल गांधी हों, उससे बात करके करते हैं, कंसल्टेशन होता है। हमारे यहाँ वैसा नहीं है जो बाकी दलों में आप सोच रहे हो कि बस एक आदमी बोल दिया सारा काम हो गया, चर्चा समाप्त होती है। और कंसल्ट करने में क्या बुराई है, अगर कल खड़गे जी और सोनिया जी बैठ के बात करते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, तो उसमें किसी को आपत्ति है, क्यों होनी चाहिए? उनमें सोनिया जी की चलेगी या खड़गे जी की चलेगी जब ये बात होगी तो? हमारा अध्यक्ष कांग्रेस के प्रेसिडेंट मिस्टर खड़गे हैं, खड़गे जी ही अंत में निर्णय लेते हैं क्या करना है नहीं करना, वो सलाह कंसल्टेशन सुझाव फीडबैक ले सकते हैं और लेते भी हैं, लेकिन निर्णय अध्यक्ष करते हैं और अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब हैं। पर छवि ऐसी नहीं है कि पब्लिक नहीं मानेगी आप जो बात कर रहे हैं? अब ना माने, लेकिन हकीकत मैं बता रहा हूँ आपको, वो चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं। अब आप कहना चाह रहे हो कि सारे निर्णय जो नड्डा जी लेते हैं वो खुद लेते हैं, बात नहीं करते होंगे बाकी नेताओं से, प्रधानमंत्री से या किसी और से, करते होंगे ना, तो प्रणाली है, प्रक्रिया होती है, उसमें क्या आपत्ति है किसी को? चलिए अंत में सीटों का बात तो आपने नहीं बताई कि कितनी सीटें जीतेंगे, आप करेंगे बहुमत आएगा राजस्थान में, बताइए राजस्थान की 25 सीटों में कुछ जीतेंगे इस बार? देखिए वहाँ पिछले दो चुनावों में हम लोग एक भी सीटें जीत पाए, हकीकत है, लेकिन 2019 के चुनाव एक विशेष परिस्थिति में चुनाव हुए थे, मुझे लगता है एक अलग वातावरण बन गया था। अब 10 साल हो गए हैं, वहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं आपको आंकड़े तो नहीं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, लेकिन पहले से बहुत बेहतर होगा और हमारे कैंडिडेट्स भी हम लोग समय पर तय कर देंगे। राजस्थान में हम अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि जो नई सरकार बनी है, आपसे कुछ पूछ के तय होगा या फिर वही? नहीं नहीं, चर्चा सबसे होती है और जो राजस्थान में सरकार नई बनी है, कोई बहुत ज़्यादा लोगों में संतुष्टि हो गई हो या बहुत ज़्यादा उन्होंने इमीडिएटली कुछ एक्शन लिया, ऐसा भी हुआ नहीं, वहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, खिंचाव बहुत ज़्यादा है, तो उसका भी लाभ अंत में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो आई एम क्वाइट होपफुल कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। चलिए इसी नोट पर, आप कह रहे हैं कि आप होपफुल हैं, आपकी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी, अलायंस गठबंधन अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन आपने ये भी कहा कि चुनावों के बाद क्या होता है मैं नहीं कह सकता अपने बारे में। वो तो जो पार्टी निर्णय करती है, अभी मुझे क्या जिम्मेदारी देनी है, मैंने मुझे को स्टेट में दी है, सेंटर में दी है, जो भी मुझे पार्टी ने काम दिया है मैंने पूरी ताकत से किया है, आगे भी करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सचिन जी। सचिन पायलट, आखिरी सेंटेंस आपने उनका सुना, जो पार्टी ने, जो पार्टी देगी वो करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया। और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन
सारी शिक्षक है, शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है, और एक सबाना है उसको, उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की घटना से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। संदेश खाली में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका ईडी स्पेशल कोर्ट में खारिज हो गई है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ऊपर ईडी पर हमले, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और राशन घोटाले के शामिल होने के संगीन आरोप है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है ईडी स्पेशल कोर्ट में। ये जमानत याचिका खारिज हो चुकी है ऐसा इसीलिए क्योंकि शाहजहां शेख पर कई सारे संगीन आरोप लगे हैं, जिसमें ईडी पर हमला करना शामिल है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न का मामला शामिल है, इसके अलावा राशन घोटाले में शामिल होने का भी बहुत गंभीर आरोप शाहजहां शेख पर है। संदेश खाली में टीएमसी नेता अजीत माइती की पिटाई के